पुंछ के एलओसी गांव बोंडचेचिया की रहने वाली मुसरत खातून नाम की एक लड़की ने कड़ी मेहनत के बाद 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 85% अंक हासिल किए। उसका कहना था कि आज वह अपने माता पिता और शिक्षकों के प्रयासों के कारण सफल हुई है। चौधरी, मैं विलेज बानी चेचिया की रहने वाली हूँ और मैं श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल पूंछ में पढ़ती हूँ। हम बहुत ही एलओसी के नज़दीक रहने वाले लोग हैं। हमने बहुत स्ट्रगल की है क्योंकि पिछले टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत फायरिंग हो रही थी वहाँ, और वहाँ से आके यहाँ पूंछ सिटी में पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था। लेकिन मेरा ये एक एम था कि मैं एक ना एक दिन अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूँ, तो वो मैंने आज कर लिया। मैं अपने पेरेंट्स का और अपने टीचर्स का बहुत ही बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी बहुत एफर्ट रही इस बारे में कि मैं टॉप करूँ, तो आज मैंने ये करके दिखाया। मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को ये क्रेडिट देती हूँ। जी, मेरे 425 मार्क्स आउट ऑफ 585% मेरी आई है 12th क्लास। पेरेंट्स और मेरे टीचर्स का बहुत ही सहयोग रहा मेरे साथ। और अगर बात की जाए तो मेरी सिस्टर जो है वो अभी 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए हुए हैं उसने, अभी उसका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ। बट मेरी जो ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश है कि मैं उसको अपने जैसी स्ट्रगल करनी सिखाऊं, क्योंकि मेरा ये जूनियर्स के लिए एक मैसेज है। मैं सिर्फ अपनी सिस्टर के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं ऑल द जूनियर्स के लिए बोलना चाहती हूँ कि लाइफ इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। मैनी पीपल फेल बिकॉज दे ट्राई टू कॉपी अदर्स, नॉट रियलाइज दैट एवरी वन हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन पेपर। सो नेवर गिव अप। तो आप अपनी स्ट्रगल्स को जारी रखिए ताकि एक ना एक दिन आप अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का नाम रोशन करें। थैंक यू। मेरा नाम अब्दुल रहमान। सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्र कि आप हमारे घर तक आए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो सर, मेरी बेटी का नाम है मुसरत, उसने 12th में एग्ज़ाम पास किया सर, अच्छे नंबर से पास किया। सर, हम बेसिकली बांडी चेचियाँ गाँव डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, हमारा गांव जो है बांडी चेचियाँ पड़ता है, सरहदी इलाका है, बॉर्डर एरिया। तो वहाँ का माहौल सर हमारा डिस्टर्ब रहता था बहुत ज़्यादा, तो शेलिंग बहुत होते थे। आज तकरीबन एक साल हो गया शेलिंग बंद है, आज अल्लाह का शुक्र है। तो सर, हमने बच्चों के लिए बहुत मेहनत की, हमने दिन रात हमने कोशिश की, और कोशिश यही की कि बच्चों को पढ़ाएंगे। तो बच्चों ने भी अपनी जिम्मेवारी को जिम्मेवारी समझा, तो आज बच्चों ने, मेरी बेटी ने अच्छे नंबर लिए और अपना जो है तो एग्ज़ाम जो है अच्छे नंबरों से पास किया। तो मैं बाकी वाले बच्चों को भी यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे ढंग से पढ़ें, अपने पेरेंट्स की इज्जत का ख्याल रखें। और मेरे बच्चे बहुत दूर से चल के आते थे बांडी चेचियाँ, यहाँ से 15 किलोमीटर सफ़र है, वो डेली का अप डाउन करना ये बहुत बड़ा काम होता है सर। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ बच्चों को कि अच्छे ढंग से पढ़ें, आने वाले वक़्त में नौकरी के लिए अच्छी पढ़ाई करें तब नौकरी मिलेगी, वरना छोटी मोटी पढ़ाई करके नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका यहाँ आना और मेरी बेटी का ये इंटरव्यू लेना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खातून अख्तर,
अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने बच्चों को मेहनत करवाई, उसका फल आज हमारी बेटी ने हमें दिखाया। हमने नर्सरी से ले कर आज 12th तक श्री गुरु हरि कृष्ण में इसको पढ़ाया। बांडी चेचियाँ सरहदी गांव से, वहाँ बहुत शैल पढ़ते थे, वहाँ से आना यहाँ पे बहुत मुश्किल था, तो फिर भी हमने बहुत स्ट्रगल की, बच्चों को पढ़ाया और हमारी बच्ची ने अच्छे नंबर लिए 12th में, वो हमारा नाम रोशन किया। और मैं सभी बच्चियों को यही कहना चाहती हूँ कि वो मेहनत करें और मेहनत का फल इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा सबको। तो हमारी बच्ची ने हमारा नाम रोशन किया, अपने टीचर्स का नाम रोशन किया। तो मैं सभी बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत ज़रूरी है और हमारे देश का नाम रोशन होगा।